दोस्तों अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर होंगे तो आपके साथ एक प्रॉब्लम जरूर आती होगी। क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है कि आप अपना शॉर्ट्स वीडियो बहुत बढ़िया से बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हो, लेकिन डालने के बाद आपके शॉर्ट्स वीडियो पर क्या होता है, 2 व्यूज आते हैं, 4 व्यूज आते हैं, 8 व्यूज आते हैं, कभी कभी गिरते पड़ते 40 व्यूज 50 व्यूज आपको मिल जाते हैं। और होता क्या है, यही कम व्यूज की दिक्कत होती है। जो आप शॉर्ट्स वीडियो बढ़िया बनाकर डालते हो, जिसको आप सोचते हो कि मुझे मिलियंस में व्यूज देगा, वो आपको दे क्या रहा है, 2 व्यू 4 व्यू 8 व्यू इस तरीके से दे रहा है। और ऐसा दी क्यों रहा है, क्योंकि आपने अपने शॉर्ट्स चैनल को करवा लिया है फ्रीज, और फ्रीज करवा लिए तो ऐसे ही व्यूज आएगा। भले ही कितना बढ़िया शॉर्ट्स बनाओ, वो शॉर्ट्स मिलियंस में जाने लायक हो, लेकिन आपको 2 व्यूज 4 व्यूज ही वो शॉर्ट्स देगा। और फ्रीज हुआ क्यों है, YouTube की कोई दुश्मनी नहीं है, YouTube ने खुद उठाकर आपके चैनल को फ्रीज नहीं किया है, बल्कि आपने ऐसी गलतियां कर दी हैं, उस गलतियों की वजह से आपने अपने शॉर्ट्स चैनल को फ्रीज करवा लिया है। और अगर आज ही वो गलती सुधार लिए तो आपका जो चैनल फ्रीज है वो चुटकियों में अनफ्रीज होगा, और आपके शॉर्ट्स वीडियो पर, आपके शॉर्ट्स चैनल पर व्यूज तगड़े से आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये चीज कि गलती क्या कर रहे हो, वो चीज बताने के लिए आज मैं आपको लाइव चैनल ओपन करके क्या गलती करने से कितने कम व्यूज आ रहे हैं जो कि आप कर रहे हो, वो दिखाने वाला हूं। आज तक कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया मैंने कि जिसमें मैंने आपको लाइव दिखाया हो। आज ये पहली बार वीडियो बना रहा हूं लाइव, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। लाइव इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि जब लाइव दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अरे सर ये चीज तो मैं भी अपने चैनल पर कर रहा हूं, ये चीज आपको समझ में आएगी। और ये भी समझ में आएगा कि बंदा जो सामने खड़ा हुआ बोल रहा है ना, वो फैक्ट बोल रहा है, क्योंकि एक एक शब्द, एक एक गलती जो बता रहा है वो प्रूफ के साथ चैनल ओपन कर करके भी दिखा रहा है। और एक चैनल नहीं दिखाऊंगा कि एक चैनल में सारी गलतियां बता दूं, अलग अलग चैनल पर अलग अलग गलती करने से कैसे व्यूज डाउन हुए हैं, क्या गलती कर रहा है वो दिखाऊंगा। बहुत कमाल का वीडियो होगा। अगर बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स बनाकर डाल चुके हो और आपको सिर्फ यही 2 4 6 8 व्यूज मिल रहे हैं, वो मिलियंस में व्यूज जो जाने चाहिए नहीं जा रहे हैं, चैनल फ्रीज हो चुका है, करवा लिए हो गलती की वजह से, वो आज के वीडियो में बताऊंगा। पहले आप गलती देखना, चैनल ओपन करूंगा, दिखाऊंगा, ओपन है आपके सामने ही दिख रहा होगा, एक चैनल मैंने ओपन कर चुका है। अब यहां पर जब गलती दिखाऊंगा लाइव, तो वो गलती आप देखना कि हां मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, और कर रहे हो ना तो तुरंत कमेंट करके बोल देना हां सर कर रहा हूं, और कर रहे हो तो कैसे सही होगा वो भी आज के वीडियो में बताऊंगा। बहुत कमाल के, सबसे हटकर बहुत काम की वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल ओपन किया हूं, अब आपको लाइव गलती दिखाता हूं। देखो एक चैनल ओपन है, 27 सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पर, 41 वीडियोस डाले गए हैं। अब अगर आप ध्यान दोगे तो बिल्कुल नया फ्रेश चैनल है आपके जैसा ही, एक बंदा है पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता यार, मैं ऐसे रैंडम चैनल देखा और उठाया आपको गलती समझाने के लिए। अब 4 व्यूज आ रहे हैं इसके, 6 व्यूज आ रहे हैं, एक पर 100 व्यूज चला गया है, एक पर 268 व्यूज चला गया है, देखोगे फिर 52 आ गया, फिर 8 व्यूज आ गया, फिर 2, फिर 37 व्यूज आया, फिर 2 व्यू, एक पर 409 व्यूज चला गया, एक पर 412 व्यूज चला गया, एक पर 308 व्यूज, फिर 8 व्यू, और इसके बाद देखोगे 1 व्यू, 32 व्यू, 2 व्यू, 5 व्यू, ऐसे ऐसे व्यूज आ रहे हैं। किसी किसी में थोड़ा 2 4 5 आ जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम में 2 4 6 8 10 व्यूज ही आ रहे हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है इस चैनल के साथ, मैं बताऊं। पहला तो बंदा यह गलती कर रहा है जो कि आप भी कर रहे हो, पहली गलती समझना, पहला तो यह गलती कर रहा है ये कि चैनल बना लिया। अब देखिए एक नया क्रिएटर जो आता है ना, उसके दिमाग में यह होता है कि यार यूट्यूब पर वीडियो ही तो डालना है, वीडियो डालो पैसे कमाओ, लेकिन वीडियो क्या डालना है इसके बारे में कभी वो नहीं सोचता। और उसी वजह से जो मन किया, जो चीज चल रही है, कहीं नौटंकी चल रही है, कोई इसके घर में बच्चा भाग रहा है, वो शर्ट निकालकर घूम रहा है, जो मन किया वही बनाकर डाल दिया, और सोचता है अब ये वीडियो वायरल जाएगा, बहुत सारे पैसे हमारे घर आएंगे। यही सोच आपको आज तक यूट्यूबर नहीं बननी थी। पहली तो गलती यही कर रहा है, अभी दूसरी भी गलती कर रहा है बता रहा हूं। पहली तो गलती यही कर रहा है कि जो मन कर रहा है वो वीडियो डाल रहा है। जैसे देखोगे यहां पर, देखो यहां देखो गाने टाइप पे डाल है, देखो
ये डायलॉग टाइप में चल रहा है और बंदा आराम से शर्ट वर्ट ऐसे झटक हुए घूम रहा है, शाहरुख खान का बाप बन रहा है। तो चलो ये कर रहा है, पहला तो ये हो गया, आपने देख लिया। अब इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इसको इस वीडियो पर मिले हैं 6 व्यूज। भाई आप कोई शाहरुख खान नहीं हो कि आप शर्ट निकाल कर ऐसे डायलॉग में घूम रहे हो ऐसे पागलों जैसा और आपको व्यूज मिल जाएगा, चीजें समझना। अब दूसरा यहां पर देखोगे एक पर आया हुआ है 103 व्यूज, थोड़ा ठीक आया है, जहां पर 5-6 आ रहे हैं वहां पर 103 व्यूज। क्यों आया है, ध्यान दो थंबनेल की तरफ, तो आपको मिल रहा है एक बाइक पर बंदा पोज देकर खड़ा है और आप सबको पता है यार इंडिया में बाइक लवर्स हैं, तो थोड़ा बहुत व्यूज इसका जो थंबनेल लगा है इस वजह से इसको मिल चुके हैं। अब तीसरे पर देखोगे एक वीडियो है जिस पर 268 व्यूज आया है। 268 व्यूज क्यों आया है पता है, देख सकते हो यहां पर कोई एक जानवर है, देखो यहां पर ध्यान दो, एक जानवर है जो कि यहां पर भाग रहा है, अगर आप ध्यान दोगे देखिए मतलब गाना चल रहा है उसमें बैकग्राउंड में, लेकिन एक जानवर है जो कि भाग रहा है। अब ये जानवर की वजह से इस शॉर्ट्स का जो थंबनेल है थोड़ा अट्रैक्टिव हो चुका है, इसलिए बंदे ने क्लिक किया होगा, यानी जो देखने वाला बंदा होगा वो क्लिक किया होगा। अब वो शॉर्ट्स का थंबनेल दिखता कहां है, शॉर्ट सेक्शन पर जाते हो ऐसे स्क्रॉल करते हो ना तो सामने एक बार वीडियो की झलक आपको आती है, और वो झलक कौन सी होती है, वही थंबनेल की होती है। साथ में आपको शॉर्ट सेक्शन आपके होम पेज पर शॉर्ट सेक्शन बना होता है ऐसे ऐसे करके 4-4 खाने का, मतलब पहले तो ऐसे बना रहता था, अब 4 खाने का ऐसे बना रहता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे शॉर्ट्स दिखते हैं, तो उसमें भी जो थंबनेल सेलेक्ट किए हो वो सामने दिखता है। तो भैया आपके वीडियो पर कौन क्लिक करेगा, जब आपका थंबनेल कुछ अट्रैक्टिव हो, जैसे ये थोड़ा अट्रैक्टिव है, कोई एक जानवर भाग रहा है देखने में थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, भाई कौन सा जानवर है ऐसे लग रहा है रोड पर अकेले जा रहा है, तो बंदे क्लिक करेंगे, और वही थोड़े बहुत क्लिक करने की वजह से 268 व्यूज आए। अब आप बोलोगे अरे सर मैं भी बहुत ज्यादा ऐसे अट्रैक्टिव थंबनेल लगाता हूं हमारे तो व्यूज नहीं आते हैं। भैया 268 व्यूज सिर्फ मिले हैं, क्यों मिले पता है, थंबनेल तो अट्रैक्टिव बना दिया, लेकिन जैसे बंदा यहां वीडियो ओपन करेगा ना क्या चल रहा है वीडियो में, गाना चल रहा है और वो जो जानवर है वो ऐसे नॉर्मल चल रहा है, देखो देख सकते हो एक जानवर चल रहा है गाना चल रहा है बस और कुछ नहीं हो रहा है। भाई थंबनेल पर आपने थंबनेल अट्रैक्टिव लगा दिया, लोगों ने क्लिक तो कर दिया लेकिन वीडियो में आने के बाद पता चला आपने क्या बनाया है, फालतू का वीडियो बनाया है, तो वो क्या करेंगे, छोड़कर भाग जाएंगे। अब इससे होगा क्या पता है, 10-15-20 सेकंड के लिए आपका शॉर्ट्स वीडियो जो है एक बार शॉर्ट्स फीड में भेज दिया जाएगा। क्यों भेज दिया जाएगा, क्योंकि जिनके होम पेज पर दिखाया गया है वो आपके वीडियो का सिर्फ थंबनेल देखकर क्लिक कर दिए हैं 2-4-10 लोग, तो इस वजह से शॉर्ट्स फीड में 10-15-20 सेकंड के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन वहां पर जब आपको 100-150-200 व्यूज जैसे मिले और जो बंदा क्लिक किया गया वीडियो पर, अरे यार एक मुर्गी भाग रही है गाना चल रहा है कोई इसमें मतलब ढंग का वीडियो ही नहीं है, तो क्या करेगा, छोड़कर हट जाएगा ना। ऑडियंस रिटेंशन डाउन हो गया आपका तुरंत, मतलब 30 सेकंड का वीडियो है 5 सेकंड में लोग छोड़कर जाएंगे, समझ में आ जाएगा भाई ये फालतू है यार पता नहीं क्या बनाया है। तो इससे आपका जो शॉर्ट्स वीडियो 10-15-20 सेकंड में बाहर कर दिया जाएगा तुरंत, और आपको ऐसे ही 200-250 व्यूज मिल जाएंगे, बस खत्म। समझ गए ना कि हाँ इस पर क्यों आ रहे हैं। और यहां पर देखोगे जिस पर 2 व्यूज दिख रहे हैं, 37 व्यूज दिख रहे हैं, ये देखने से ही पता चल रहा है कि कोई नया नवेला आया हुआ है YouTube पर और वो अपना जो मन किया है वैसे ही शॉर्ट्स बनाकर डाल दिया है, अपना घर में ऐसे खड़े होते हुए घूमते हुए ऐसे उठाकर बना दिया है। अब जैसे देखोगे एक बंदा यहां पर दिख रहा है 412 व्यूज है, किस लिए इस पर व्यूज आया, अट्रैक्टिव थंबनेल दिख रहा है लेकिन वीडियो में जाने के बाद पता चला भैया अरे फालतू वीडियो दे दिया है। समझ गए आप क्या मैटर करता है, चीजें समझना। पहली गलती तो यह है कि जो चीज बना रहे हो एक चीज पकड़ो और एक कंटेंट पकड़ो कि मुझे फैक्ट बनाना है, मुझे मिनी ब्लॉग बनाना है, मुझे टेक बनाना है, मुझे कुकिंग बनाना है, मुझे रोस्टिंग बनाना है, मुझे कॉमेडी बनाना है, एक चीज पकड़ो उस पर काम करो। ऐसे खिचड़ी कि जो मन किया भैया हम खिचड़ी बनाएंगे, तो खिचड़ी यूट्यूब पर नहीं चलती है। खिचड़ी आप घर में खा सकते हो लेकिन कॉन्टेंट की खिचड़ी यूट्यूब पर नहीं चलती है। तो इसलिए पहली गलती खिचड़ी नहीं बनाना है। नए क्रिएटर हो ये चीज दिमाग में भर लो अपने, यूट्यूबर बनने आए हो तो एक कंटेंट की बदौलत बनोगे और वो कंटेंट पकड़कर आपको अपने चैनल पर काम करना होगा। खिचड़ी बनाना, जो मन किया वो वीडियो बनाना, घर में कुत्ता दौड़ रहा है उसका वीडियो बना दो, घर में बच्चे भाग रहे हैं उसका वीडियो बना दो, हम शर्ट निकालकर घूम रहे हैं उसका वीडियो बना दो डायलॉग में, ये सब फालतू कंटेंट नहीं चलते हैं। ये दिमाग में रख लो, टिकटॉक नहीं है ये, यूट्यूब है, यहां जेन्युइन चीजें चलती हैं। अब दूसरी गलती क्या है, सामने ही दिखाया,
कि आपको अपने शॉर्ट्स वीडियो को शॉर्ट्स फीड में भेजने के लिए सबसे पहले जिनके होम पेज पर यूट्यूब भेज रहा है, यानी जो चार खाना में आपका जो शॉर्ट्स दिखता है होम पेज पर, वहां जो दो चार लोगों को दिखा रहा है, वो लोग अगर क्लिक करेंगे तभी वो शॉर्ट्स फीड में भेजेगा, और क्लिक तब करेंगे जब अट्रैक्टिव थंबनेल होगा। जैसे यहां पर कुछ थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव दिखा, लोगों ने क्लिक किया, तो इस वजह से शॉर्ट्स फीड में भेजा गया, भले ही वो 10 मिनट 15 मिनट या फिर 2-4 मिनट ही रहा होगा कि 400-250 व्यूज मिल गए। तो आपको पहला काम क्या करना है कि अट्रैक्टिव थोड़ा सा फंबल हो जाता है बोलते अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है और उसको लगाना है। बनाना मतलब शॉर्ट्स में कुछ बनाया जाता नहीं है, जो आपके वीडियो का सेक्शन होता है उसी को थंबनेल सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो अट्रैक्टिव थंबनेल रखना है, पहला काम करना है, तभी आपका शॉर्ट्स फीड में जाएगा, क्योंकि होम पेज पर क्लिक करेंगे लोग तब शॉर्ट्स फीड में जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो आप गलती करते हो, अट्रैक्टिव थंबनेल तो बना देते हो, अब आप बोलोगे सर मैं तो बनाता हूं तब भी व्यूज नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं, दिखाया ना कि अट्रैक्टिव थंबनेल तो दिख गया लेकिन वीडियो में जाने के बाद आपकी पोल खुल गई कि भैया वीडियो में कुछ है ही नहीं, 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड का वीडियो है तो बंदा 2 ही सेकंड में छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत ऑप्शन है, ऐसे स्क्रॉल करते जाओ शॉर्ट्स उसके पास भरा पड़ा है, तो आपका क्यों देखेगा, आपने बेवकूफ बनाया थंबनेल के नाम पर। तो इस वजह से भी आपका शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में जाता तो है लेकिन 10-20-50-100 व्यूज लेकर ही निकल जाता है, तुरंत निकल जाएगा। जैसे 30 सेकंड का वीडियो लोग 2 सेकंड का छोड़कर भागेंगे ना, 50-100 व्यू आते ही निकालकर बाहर कर देगा, हटाओ भाई फालतू वीडियो है। तो तीसरी चीज समझ में आ गई कि हाँ सर अट्रैक्टिव थंबनेल तो रखना है लेकिन उसी तरीके से वीडियो भी अट्रैक्टिव बनाना है, जो जाए उसको लगे कि हाँ जो देखकर आया था ना वो चीज मुझे मिल रहा है। समझ में आया, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो थंबनेल में देखे ना, 0 व्यूज की प्रॉब्लम, फ्री चैनल का आपने देखा थंबनेल, और वही चीज बता रहा हूं ना, अभी फ्री चैनल का थंबनेल लगाता और अब यहां पर मैं आपको कहानियां बता रहा होता, रुकते वीडियो पर ना, रुकते ना, समझ गए। तीन गलती आपको इसी चैनल से मिल गई। अब चौथी बड़ी गलती ध्यान से देखना, दूसरे चैनल पर लेकर चलता हूं वहां पर समझना। अब मैं बैक करता हूं और आपको दिखाता हूं कौन सा चैनल है। एक चैनल है नितिन भैया करके, एक चैनल है, ये जो है मिनी ब्लॉग का चैनल है। अब ये बंदा बनाता बढ़िया था शॉर्ट्स वीडियो, बढ़िया बनाता था मिनी ब्लॉग का। अब बढ़िया जब बनाता था तो व्यूज भी इसके बढ़िया आते थे। यहां पर देखोगे अगर ध्यान दोगे 4700-2500, एक आंख में 500 चला गया, फिर 5000, 3600, 2400, 2500, ऐसे ऐसे इसको व्यूज मिल रहे हैं, 4800 व्यूज ऐसे ऐसे मिल रहे हैं। लेकिन अभी उठाकर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो 3 व्यू 5 व्यू 7 व्यू 11 13 13 14 10 26 18 व्यू 22 व्यू ऐसे ऐसे मिल रहे हैं। किस लिए, क्या गलती कर दिया भाई, पहले तो अच्छे व्यूज आते थे 4000 5000 4000 5000, और कैसे अभी 5-10 आने लगे। वही चौथी नंबर गलती जो आपको बताने वाला हूं, जो आप भी कर रहे हो, चौथी नंबर गलती के लिए तैयार हो जाओ। लाइव दिखा दिखाकर आपको गलती समझा रहा हूं। अब क्या करता है पता है, यहां पर देखो जैसे जिस पर अच्छे व्यूज आए थे, अगर ध्यान दोगे यहां पर, ये इस पर कितना व्यूज आया था, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे जैसे यही है, इस पर 2400 व्यूज आया है, ठीक है 2400 व्यूज आया है। कब का ये वीडियो है डिस्क्रिप्शन में दिखाता हूं, 19 दिसंबर 2023 का वीडियो है, ठीक है 19 दिसंबर 2023 का ये वीडियो है। यहां पर देखोगे जब कम व्यूज आने लगे हैं तो किस वजह से आने लगे हैं, मैं एक वीडियो अभी कम व्यूज वाला ओपन करता हूं। यहां पर आपने देखा कौन सा वीडियो मैंने ओपन किया था, यही वाला जिस पर 2.4 के आए हैं। इसका 5-7 वीडियो बाद मैं देखता हूं, जैसे देख सकते हो 71 व्यूज स्टार्ट हुआ है, 4.8 के बाद 71 व्यूज, ये वीडियो मैं ओपन करता हूं। यहां पर आने के बाद मैं अगर डिस्क्रिप्शन में जाऊं तो देख सकते हो 2 जनवरी 2024 को डाला गया, समझ रहे हो, 5-6 वीडियो 20 दिन में। यानी कि बंदा जो डेली वीडियो डालता था, जाकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो ये डेली वीडियो डालता था वो 3-4 दिन में एक वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इररेगुलर हो गया, इररेगुलर, चौथी गलती बता रहा हूं, इररेगुलर हो गया। और अभी के टाइम पर देखोगे बीच में इतना ज्यादा इररेगुलर हो गया, देख सकते हो अभी स्टार्ट हो गए हैं 10-15-20 व्यूज, जैसे 10 व्यूज ये दिख रहा है आपको, 10 व्यूज दिख रहा है ना, किस वजह से 10 व्यूज आया है देखना चाहते हो। अब यहां पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से, 28 अप्रैल 2024 को डाला गया वीडियो, समझ में आया, यानी कि ये महाशय 2-3 महीने गायब हो गए। यही चीज आप करते हो, क्या करते हो, पहले वीडियो धड़ल्ले से डालोगे, समझ लोगे वीडियो देख लोगे, हाँ डेली एक डालना चाहिए, डेली दो डालना चाहिए, देख लोगे वीडियो, देखने के बाद जब काम करने की बारी आएगी तो क्या होता है आपके साथ, आप क्या करोगे, 2 दिन में एक वीडियो डालने लगोगे, फिर 3 दिन में एक वीडियो डालने लगोगे, और 2 महीने 3 महीने बीतते बीतते ऐसे हो जाते हैं 1-2 महीने में ही
कि आप ना एक दो महीने के लिए गायब हो जाओगे, पता चला कहीं शादी है या फिर वैसे ही आपका मन नहीं है, कुछ मन से एक्सक्यूज बना लिए कि अरे यार अभी ऐसा ऐसा दिक्कत है हम नहीं बना सकते, और गायब हो जाओगे। और अगर आप इररेगुलर हो गए अपने चैनल पर, देख सकते हो इनके चैनल पर 1.31K यानी 1300 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। स्टार्टिंग में बहुत तगड़ा व्यूज चल रहा था जो कि ग्रोइंग फेज में ये चैनल था, लेकिन गलती ये हो गई कि भाई ये 3-4 दिन में पहले एक वीडियो डालने लगे, इररेगुलर हुए और इसके बाद ये गायब ही हो गए 2-3 महीने के लिए, और फिर डालना स्टार्ट किए हैं। देख सकते हो यहां पर कितना व्यूज मिल रहा है, 10, 15, 20, 18, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे करके व्यूज मिल रहा है। और यही चीज आप लोग भी कॉमेंट करते हो, सर पहले बहुत अच्छा व्यूज आता था लेकिन अभी हमारे वीडियो पर व्यूज ही नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? यही सब गलतियां करते हो और इसी वजह से आपका चैनल फ्रीज ही हो जाता है, क्योंकि YouTube देखता है कौन रेगुलर कर रहा है कौन नहीं रेगुलर काम कर रहा है। रेगुलर जो काम कर रहा है उसका वीडियो एक ना चले, दो ना चले, तीन ना चले, लेकिन धीरे धीरे चलने लगता है, और जो इररेगुलर होता है उसका वीडियो कितना भी बढ़िया रहे नहीं चलता है यूट्यूब में। यह सबसे बड़ी बात है और यह आपके दिमाग में रखनी है कि अगर यूट्यूब पर आना है तो इसको अपनी दिनचर्या में डाल लेना है कि कुछ भी हो जाए हमको डेली का डेली यहां काम करना ही पड़ेगा। जैसे वीडियो डालोगे, डेली डालोगे, शॉर्ट्स डालते हो तो डेली डालना पड़ेगा, तो डालना ही पड़ेगा। और यही गलती की वजह से आपके सामने मैंने दिखाया लाइव प्रूफ कि पहले कितना 4-5 हजार तक व्यूज पहुंचने लगा था, लेकिन वही इररेगुलर होने की वजह से 2-3, 5-7 व्यूज आने लगा। बंदा वही कॉन्टेंट बना रहा है, वही सही कॉन्टेंट जैसे पहले बनाता था, लेकिन वही इररेगुलर जो गलती किया उसी से चैनल को ले डूबा। चौथी गलती समझ में आ गई। अब लास्ट पांचवी गलती के बारे में बात कर रहा हूं, और यह गलती हर एक नया यूट्यूबर कर रहा है लेकिन आज तक मैंने भी आपको नहीं बताया, क्योंकि दिमाग में नहीं था कि आप ये गलती कर रहे हो। अभी एक चैनल देखा तो पता चला भाई ये भी तो गलती कर रहे हो, और वो गलती कौन सी है अभी चैनल ओपन करके दिखाता हूं। अब यहां पर मैं एक चैनल पर आया हूं, देख सकते हो क्या नाम है यहां पर, इस वीडियो 786 ऐसे करके एक चैनल है, इस वीडियो करके एक चैनल है, ये भी शॉर्ट्स वीडियो डालता है। ये भी वैसे ही पहली दूसरी तीसरी गलती ये भी कर रहा है कि जब मन किया वीडियो डाल दो, जो मन किया वही वीडियो डाल दो, कबूतर दिख गया कुछ भी दिख गया उसका वीडियो डाल दो, मन मुताबिक डाल रहा है। लेकिन एक गलती और एक्स्ट्रा कर रहा है जो कि पांचवी नंबर गलती है, जो कि आप भी कर रहे होगे। क्या यहां पर देखोगे 20, 15, 20 व्यू, 40 व्यू, 200, 400, 500 व्यूज ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन वो गलती क्या करता है पता है, जो कि आप भी कर रहे हो। जैसे एक वीडियो में ओपन करता हूं, ठीक है, यहां पर मैं कोई भी एक वीडियो ओपन करता हूं, जैसे यही है या फिर यही ओपन कर लेता हूं, देख सकते हो ये मैंने वीडियो यहां पर ओपन किया, इसका मैं गाना पहले बंद करता हूं, ठीक है। यहां पर व्यूज देखोगे, वीडियो देखोगे नॉर्मल, वैसे इसके पास होगा कोई, जैसे कोई पक्षी है, अब कौन सा पक्षी है यार मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, शायद होगा कबूतर वगैरह कुछ भी होगा। अब जैसे ये कोई पक्षी है, ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, जैसे मैं एक वीडियो पहले ओपन करता हूं, अब देखोगे यहां पर मैंने एक वीडियो ओपन किया हुआ है, सामने ही आपको गलती दिख रही होगी, क्या है, इंक्लूड पेड प्रमोशन करके एक लेबल लगा है इसके शॉर्ट्स वीडियो पर। ऐसा लगा क्यों है पता है, जाने अनजाने में गलती की हो। कैसे, शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो, अपलोड करते हो, अपलोड करते ही आपके सामने जब अपलोड करने के लिए जाते हो सेलेक्ट करके वीडियो, तो आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो ऑप्शन मिलता है टाइटल डाल दो, फिर आता है विजिबिलिटी, पब्लिक रखोगे या लिस्टेड रखोगे या फिर क्या रखोगे, शेड्यूल करोगे। इसके बाद आता है ऑडियंस सेलेक्ट करने का कि ये मतलब बच्चों के लिए बना है या नहीं बना है, यस इट इज मेड फॉर किड, नो इट इज नॉट मेड फॉर किड, ये ऑप्शन आता है। इसके बाद अब शॉर्ट्स के अंदर आप जब अपलोड करते हो अपने मोबाइल फोन के ऐप से वीडियो, यानी यूट्यूब ऐप से जब अपलोड करते हो, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्या पता है, एड प्रमोशन लेबल करके एक ऑप्शन मिलता है, एड प्रमोशन लेबल, और जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, यस वीडियो इंक्लूड पेड प्रमोशन और नो इट नॉट इंक्लूड पेड प्रमोशन, दो करके ऑप्शन मिलते हैं। तो बंदा जो नया यूट्यूबर आता है उसको कुछ नहीं पता, कोई वीडियो नहीं देखेगा, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने का क्या सही तरीका है, कुछ वीडियो नहीं देखा है, वो जाएगा टाइटल डालेगा, सोचेगा क्या फालतू जाकर 20-25 मिनट का मैं किसी का वीडियो देखूं, मैं चल रहा हूं खुद से जान रहा हूं, टाइटल डाल दूंगा और इसके बाद अनलिस्टेड वगैरह डालता ही हूं, इसके बाद जाकर वो नीचे आएगा इंक्लूड पेड प्रमोशन पर, यस वाले पर सिलेक्ट कर लेगा। अब ये इंक्लूड पेड प्रमोशन पता है क्या होता है, जब आप किसी वीडियो में प्रमोशन करते हो यानी पैसे लेकर कंपनी से उसमें कोई प्रमोशन करते हो, तो ऊपर वो चीज लगाया जाता है कि यस इट्स इंक्लूड पेड प्रमोशन, तब आप जब सेलेक्ट करोगे तो आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है। अब ये कोई प्रमोशन वीडियो तो है नहीं, आप नए क्रिएटर हो अपना वीडियो डाल रहे हो, इसमें कौन सा प्रमोशन वीडियो है, लेकिन गलती यही कर देते हो कि यस सेलेक्ट कर दोगे तो YouTube में आ जाएगा कि आपने पेड प्रमोशन किया है, और पेड प्रमोशन जिस वीडियो में होता है, सच्चाई बता रहा हूं आपको, वो वीडियो की रीच
बिल्कुल डाउन करता है YouTube, बिल्कुल डाउन रहता है। रीच किस लिए डाउन होता है? रीच का मतलब है कि लोगों को पास भेजना, वो बहुत डाउन कर देता है। अगर किसी में पेड प्रमोशन है, यानी प्रमोशन आपकी हो, इसलिए डाउन करता है कि YouTube को समझ में आ जाता है प्रमोशन वीडियो का ये हो तो ज्यादा लोगों के पास नहीं भेजता है, और पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, नॉर्मल वीडियो है तो ज्यादा लोगों के पास भेजता है। और आप प्रमोशन वाला सिलेक्ट करके बैठे हो तो आपका शॉर्ट वीडियो कहां से चलेगा, कहां से आपको व्यूज मिलेंगे? ये भी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, और ये पांचवी गलती है। अब पांच गलती में आप लोग कौन कौन सी गलती करते थे कमेंट करके ईमानदारी के साथ बताना, जिससे समझ में आए कि कितने लोग कितनी कितनी गलती करते थे, और लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि भाई मैं ही गलती नहीं करता था, इतने सारे लोग ने कमेंट किया है, ये सारे लोग गलती करते थे, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कौन गलती करते थे नंबर वाइज लिख देना। वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, कोई भी डाउट है कॉमेंट करके बताइएगा। दिल से वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा। इतना अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता हूं, देखो समझो सीखो और आगे बढ़ो, इसीलिए लेकर आता हूं। और यहां पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका नहीं पता है, लेटेस्ट वीडियो बनाया हूं जाकर देखो, और वैसे ही अपलोड करना स्टार्ट कर दो, फिर देखना जो गलती बताया हूं ये गलती भी करना बंद कर दो, फिर देखना कैसे आपके शॉर्ट्स वीडियो पर, शॉर्ट्स चैनल पर व्यूज आना स्टार्ट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कॉन्टेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।